एक तरफ जहां पुलिस सुरक्षा कर्मियों को अपराधियों के ऊपर नजर रखने के लिए तैनात किया जाता है, तो वहीं सिपाही ही आपस में भिड़ जाते हैं। जहां एक ऐसा ही मामला जालौन से देखने को मिला है, जहां जेल ड्यूटी पर तैनात सिपाही ने एक पीएससी जवान पर गोली चला दी। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के जिला कारागार का मामला है, जहाँ देर रात जिला कारागार में वर्चस्व को लेकर गोली चली है, जिसमें बताया जा रहा है कि बंदी रक्षक के पद पर तैनात सिपाही ने जेल ड्यूटी पर तैनात पीएससी के जवान पर गोली चलाई है। बंदी रक्षक वीरेंद्र प्रताप सिंह ने पीएससी के जवान के ऊपर तमंचे से दो फायर किए हैं। गोलीकांड में पीएससी का जवान बाल बाल बचा है। जिला कारागार के गेट पर हुए गोलीकांड से जेल प्रशासन में हड़कंप मचा है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक सहित भारी पुलिस फोर्स पहुंचा है, जहां उन्होंने वहां के हालात को काबू में किया है। आज शाम को जिला कारागार के बाहर फायरिंग की सूचना पर यहाँ पर थाना प्रभारी सीओ साहब और मेरे द्वारा यहाँ पर खुद आया गया है, और यहाँ पर जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें ये पता चला है कि अभिषेक शर्मा नामक जो है पीएससी का एक आरक्षी जो प्रतिनियुक्ति पर यहाँ पे है वो बाहर खड़ा था, तो उस पर वीरेंद्र प्रताप सिंह नाम का जेल का वार्डर जो कि जेल आरक्षी है उसने फायर कर दिया है। जो जेल के बाहर से उसने फायर किया है और गोली लगी नहीं है, लेकिन फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई है, उस पर तहरीर लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट।